आप पहियों के थरथराने की आवाज सुनते हैं और फिर चीखने की। आपका दिल डर जाता है और फिर ये होता है एक टक्कर। आपकी बॉडी बुरी तरह से हिल जाती है, कांच हवा में उड़ रहे होते हैं, आपकी पूरी दुनिया उलट जाती है और अब आप आग, पानी, टूटे फूटे मेटल और दूसरे यात्रियों से घिरे हुए होंगे। ये दुर्घटना बेहद भयानक हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये जानलेवा भी हो। आइए देखें एक बस एक्सीडेंट से कैसे जिंदा बचे। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 25 लाख से ज्यादा यात्री हर रोज बस में सफर करते हैं, लेकिन हाल में हुई एक स्टडी के मुताबिक भारत में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में से लगभग 13.5% बसों की वजह से होती हैं, और मौत का आंकड़ा हर साल औसतन 11,000 का होता है। एक बस एक्सीडेंट बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो सकता है। जिंदा बचने वाले कुछ लोगों को हादसे के कई सालों बाद तक बुरे सपने आते रहते हैं। तो अगर आप ग्रहम नहीं है, मतलब साइंटिस्ट्स का बनाया गया क्रैश प्रूफ आदमी, तो बेहतर होगा कि आप तैयार होकर रहें, कहीं जरूरत पड़ जाए तो। एक बस में बैठने की सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? एक एक्सीडेंट के लिए तैयार रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप हादसे के बाद बस से कैसे बचकर निकल सकते हैं? एक बस में सफर करना एक गाड़ी में बैठकर ट्रैफिक से जूझने से कहीं बेहतर लगता है और किफायती भी। लेकिन जब आप एक बस के अंदर जाते हैं तो आप ये नहीं जानते कि सफर के दौरान क्या हो सकता है। तो हमारे पास आपको जिंदा बचाने के लिए कुछ टिप्स हैं। स्टेप 1, सबसे सुरक्षित सीट को चुने। हर गाड़ी में ऐसी सीटें होती हैं जहां एक्सीडेंट होने पर कम चोट लगने के चांसेस होते हैं। एक बस में बीच वाले केबिन में बैठने की कोशिश करें जहां आपका मुंह गाड़ी के चलने वाली दिशा में हो। ये बाकी सीटों के मुकाबले आसपास के ट्रैफिक से दूर मौजूद सीटें होती हैं। साथ ही पहली दो रो की सीटों में बैठने से बचें। उस बड़ी विंडशील्ड को तोड़ते हुए चीजें अंदर आ सकती हैं। यही वजह है कि खिड़की और दरवाजों के पास वाली सीटें भी सुरक्षित नहीं होती। याद है कैसे स्कूल के बच्चों को बस के पीछे की सीटों पर बैठना पसंद होता है? अगर बस को पीछे से टक्कर लगती है तो पीछे की रो की सीटें खतरनाक साबित होंगी। स्टेप 2, एक्सीडेंट के लिए तैयार हो जाए। अरे नहीं, आपको वो पागल ड्राइवर सीधा अपनी बस की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन आप तो एक यात्री हैं। आप बस को इसके रास्ते से नहीं हटा सकते, लेकिन कुछ है जो आप कर सकते हैं। जब बस क्रैश हो रही हो और आपके पास सीट बेल्ट ना हो तो अपनी सीट को मजबूती से पकड़ लें और अपने सर को अपनी सीट पर पीछे की तरफ सटा दें। ऐसा करने से आप खिड़की या बस के साइड से नहीं टकराएंगे। स्टेप 3, चोटों और खतरों पर नजर रखें। खुद को चेक करें और अपने हालात को अच्छी तरह से समझें, फिर दूसरे यात्रियों को देखें। इससे आपको और उन्हें और ज्यादा चोटों का सामना किए बिना बस से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। और आसपास भी सब कुछ चेक कर लें। क्या आपको धुएं की गंध आ रही है या इंजन में आग लगी दिख रही है? अगर हाँ तो बस से बाहर निकलना और भी ज्यादा जरूरी है। स्टेप 4, ऐसे बाहर निकलें। ध्यान दें कि आप बस से कैसे निकल रहे हैं। अगर ये साइड पर होके गिरी हो तो खिड़कियों पर कदम ना रखें, क्योंकि इससे कांच टूट सकता है और आपको कुछ खतरनाक चोटें लग सकती हैं। बस के मेटल वाले हिस्से पर चलें। अगर बस का ड्राइवर आपको बता रहा है कि क्या करना है तो उसकी बात माने। बस के ड्राइवर्स ऐसी चीजों के लिए ट्रेंड होते हैं और उन्हें ऐसे हालात के लिए सबसे सही कदम पता होते हैं। और अगर हो सके तो दूसरे ऐसे यात्रियों की मदद करें जिन्हें जरूरत हो। लेकिन अगर बस पानी में गिर जाती है या उसमें आग लग जाती है तो जैसे हो सके उससे बाहर निकल जाए। यहां वक्त बहुत कीमती है। स्टेप 5, सड़क से हट जाएं। बहुत अच्छे, आप बस से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि आप हाईवे पर खड़े हों
और दूसरी गाड़ी आपको टक्कर मार दे तो नुकसान के रास्ते से हट जाएं और फुटपाथ या सड़क के किनारे पर इंतजार करें। अगर आपको धुआं या आग नजर आती है तो जितना हो सके दूर चले जाएं और ये काम तेजी से करें। स्टेप 6, मदद बुलाएं। अगर आपको या किसी और को चोट लगती है तो एम्बुलेंस या इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें। अगर ये कोई मामूली एक्सीडेंट हो और किसी को चोट ना लगी हो तो पुलिस या हाईवे पेट्रोल को कॉल करें। उन्हें समझना होगा कि वहां क्या हुआ है और उस जगह को सुरक्षित करना होगा। स्टेप 7, जो हुआ उसे रिकॉर्ड करें। इस घटना से जुड़ी जो भी बातें आपको याद हो उन्हें लिख लें, जैसे समय, मौसम, सड़क की हालत, लोकेशन और दूसरी बारीकियां। आप इन चीजों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं या किसी वॉइस मैसेज में डाल सकते हैं। इससे जांच के काम में मदद होगी। स्टेप 8, खुद को दोबारा चेक करें। टक्कर के बाद होने वाली सारी उथल पुथल में हो सकता है कि आपको चोट लग जाए और आपको पता भी ना चले। हो सकता है कोई हड्डी टूट जाए और आपको तुरंत दर्द महसूस ना हो। बाद में अगर आपको लगता है कि आपको चोट लगी है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। और याद रहे, अगली बार जब आप बस में जा रहे हों तो ड्राइवर का ध्यान ना भटकाएं। आप नहीं चाहेंगे कि बस सड़क से बाहर जाकर एक जमी हुई झील में फंस जाए। लेकिन चिंता मत करिए, अगर ऐसा होता भी है तो हमारे पास आपको बचाने के लिए कुछ टिप्स हैं। जानने के लिए देखते रहें कैसे जिंदा बचें।